तो दोस्तों यहाँ पे सामने देख रहे हैं एचपी का लैपटॉप है, और यहाँ लैपटॉप पे यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे लाइन आ रही है। दोस्तों ये लाइन जो है बहुत सारे लैपटॉप में और जो है मॉनिटर में, इस तरह के मॉनिटर में प्रॉब्लम आती है। घर में जो टीवी होती हैं उसमें भी कई बार जो है इस तरह की लाइनिंग आ जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये लाइनिंग आती क्यों है, इसकी क्या वजह होती है, और क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो मेन बेसिक तीन चीज़ें होती हैं इसके ख़राब होने की, इस तरह की जो लाइनिंग आती है इसमें तीन चीज़ें जो है ख़ास तौर पर मानी जाती हैं। वो क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये कि आपके जो डिस्प्ले हैं इनके अंदर ना लाइट होती है, LED बल्ब होते हैं छोटे छोटे इसके अंदर। तो जब वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, तब क्या होता है, इस तरह की लाइनें जो है दिखाई देती हैं। ये लाइन एक हो सकती है, दो हो सकती है, चार हो सकती है। जैसे जैसे बल्ब जो है फ्यूज होता जाएगा ये लाइन जो है बढ़ती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा जब आपका पूरा डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक जो सबसे बड़ी वजह है ये है, वो यही है कि इसके अंदर जो LED बल्ब लगे होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ये आपके TV में भी हो सकता है, इस तरह के मोनिटर में भी हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है, यानी कि डिस्प्ले ठीक हो और आपका जो सिस्टम है सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसके होने से भी आपको इस तरह की लाइन की प्रॉब्लम आती है। वो क्या होता है कि आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, आपके मदरबोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कई बार तो उसकी वजह से भी ये लाइनिंग शो करती है। और जो तीसरा सबसे मेन चीज़ होता है वो ये होता है दोस्तों कि जब कभी भी किसी वजह से ये डिस्प्ले के ऊपर कोई प्रेशर पड़ जाता है, कोई जोर पड़ जाता है, या कोई दबाव पड़ जाता है, कोई वेट पड़ जाता है, या कई बार डिस्प्ले की तरफ से सिस्टम जो है गिर जाता है अचानक से, तब भी इस तरह की लाइनिंग की प्रॉब्लम आती है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, या तो आपके मदरबोर्ड में दिक्कत है, या फिर LED बल्ब फ्यूज हुआ है, या फिर इस पर कोई प्रेशर पड़ा है या जोर पड़ा है जिसकी वजह से लाइनिंग आ गई है, ये लाइनिंग बढ़ सकती है, घट सकती है। अब दोस्तों ये है कि तीनों में से हम इसको चेक कैसे करें कि हुआ क्या है। तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि आज अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मॉनिटर मैंने रखा हुआ है, ये मॉनिटर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मॉनिटर से हम इसको चेक करेंगे कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैंने इसको पावर दिया हुआ है, लाइट का कनेक्शन मैंने इसको दिया हुआ है, और इसका जो VGA केबल आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने इसको पावर दिया हुआ है, ये इसका VGA केबल यहाँ लगा हुआ है। इस VGA केबल को मैंने यहाँ अपने लैपटॉप में कनेक्ट करूँगा, यहाँ VGA केबल में, ठीक है, इसमें कनेक्ट करेंगे। तो इसमें जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये वाला डिस्प्ले चलेगा, सेम डिस्प्ले जो यहाँ आप लैपटॉप में देख रहे हैं। जब मैं इस डिस्प्ले को यहाँ कनेक्ट करूँगा तो पता चलेगा कि अगर ये लाइन वहाँ भी आ रही है, हालांकि मुझे ये मालूम है कि मेरा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, तो अगर ये लाइन यहाँ भी आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे मदरबोर्ड में दिक्कत है, सिस्टम में दिक्कत है। और अगर ये लाइन यहाँ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, इसी में कुछ खराबी है, मेरा सिस्टम ठीक है, मदरबोर्ड ठीक है। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको मैंने पावर दिया हुआ है और इसका VGA केबल लगा देते हैं। देखिए मैंने इसको लगा दिया, ये देखिए, तो ये दोनों जो है कनेक्ट हो गया है। अभी आप देख रहे हैं मेरा माउस जो है दोनों पे वर्क कर रहा है, यहां भी चल रहा है और यहां भी चल रहा है। अब देखिए यहां पे क्या है, क्या आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है? कोई भी लाइनिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है कि लैपटॉप में तो लाइनिंग दिखाई दे रही है, जबकि यही स्क्रीन यहां है इस पे कोई लाइनिंग नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरा मदरबोर्ड ठीक है, मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो इस LED में है, इस LED की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इस डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम है। अब इसका जो है अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो है थंबनेल के अंदर आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम को 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, 1% चांस होता है कि इसको ठीक हो जाइए, 99% चांस यही है कि ये ठीक नहीं होता है। इस केस में आपको क्या करना होता है, पूरा का पूरा डिस्प्ले चेंज कराना पड़ेगा, जो कि काफी कॉस्टली होता है।
ये लाइन ठीक नहीं होती है, बल्कि ये लाइन अब बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जब डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पर इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज यही है पूरा डिस्प्ले जो है चेंज करवाना होगा मुझे। तो दोस्तों यहाँ आपने जान लिया होगा कि हम जब लाइनिंग प्रॉब्लम होती है उसको पता कैसे लगाएं। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है, आप पता लगाना चाहते हैं, तो आजकल जो टीवी होती हैं घरों में, टीवी के अंदर भी ये वीजीए केबल का जो है कनेक्शन होता है, तो आप अपने लैपटॉप को वीजीए केबल से टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये लाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है।